खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। पेट्रोल पंप सेल्समैन से राशि लूटने वाले तीन शातिर दबोचे, सदर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। वाहनों के VIP नंबर लेने के लिए बना क्रेज, परिवहन पोर्टल पर बोली लगा रहे हैं लोग। चुनाव करीब आते ही गरमाए आरोप प्रत्यारोप और राजनीति, वहीं भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर की तैयारी। और सड़क हादसे में दंपत्ति और दो बच्चे हुए गंभीर घायल, जयपुर चुंगी के पास बाइक के आगे श्वान आने से हुई दुर्घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। अलवर के सदर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से मारपीट कर राशि लूटने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SHO दिनेश कुमार ने बताया कि इसे लेकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने मामला दर्ज कराया था। तीन आरोपियों द्वारा सेल्समैन के साथ मारपीट कर राशि छीन ली गई थी। इसके अलावा शातिरों ने पेट्रोल भरवाने के बावजूद भुगतान नहीं किया था। पुलिस ने तीन आरोपियों अजरुद्दीन, मनीष और सचिन को चिकानी से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। परिवादी अजय ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मैं पेट्रोल पंप पर सेल्समैन हूं। आरोपीगण अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए और सेल्समैन को साथ में घसीट कर ले गए और पैसे छीनने का आरोप था, जिसमें आरोपीगणों को चिन्हित करके अजरुद्दीन, मनीष और सचिन नाम के तीन आरोपीगणों को चिकानी से गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। जो आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है या कोई बताया है? तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। इनके खिलाफ पूर्व में भी किसी तरीके के कोई मामले सामने आए हैं? नहीं, पहले कोई ऐसा कोई मामला सामने। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर में वाहनों के लिए VIP नंबर लेने का क्रेज बढ़ रहा है। युवा वर्ग से लेकर कारोबारी और नेताओं सहित अनेक वर्ग अपने वाहनों के लिए VIP नंबर लेना चाहते हैं। इस साल जनवरी से अब तक 280 लोगों ने VIP नंबर खरीदे हैं। इसमें से कई नंबरों के लिए लोगों ने बोली भी लगाई है। जिला परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष अब तक 280 लोगों ने VIP नंबर लिए हैं और इनसे विभाग को 46,67,000 रुपए का राजस्व मिला है। VIP नंबर अलॉट करने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। वहीं यदि किसी नंबर के लिए दो लोग आवेदन करते हैं तो इनमें से अधिक बोली लगाने वाले को नंबर दे दिया जाता है। VIP नंबरों के लिए अलग अलग कीमत निर्धारित होती है और इसकी जानकारी पोर्टल पर ही मिलती है। पिछले 4 महीनों में एक कार की सीरीज 10,001 के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई गई थी। इससे विभाग को 2,02,000 रुपए का राजस्व मिला है। CJ में 0001 नंबर जो गया है वो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे गया है, उसकी 2,02,000 रुपए में वो नंबर गया है। तो ये एक सामान्य मतलब पोर्टल पे आप देख सकते हैं प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसा सारा मतलब क्लियर है, इसमें कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं है और आप जो नंबर चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये तो नंबर हो गए, जैसे 129 स्पेशल हो गए या 786 हो गया है या 21 हो गया, 51 हो गया, 31 हो गया, ये हो गया। कुछ लोगों के एक कुछ अपने पुराने व्हीकल के हिसाब से भी वो रहते हैं कि भाई हमारा मेरा जैसे 435 नंबर है व्हीकल का, तो मैं अगला कोई नया व्हीकल लूँगा तो वही 435 आ गए, तो वो उनकी वो भी प्रक्रिया रहती है। तो अगर वो चल रहा है तो ठीक है, आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादातर लोग उसको भी चॉइस में ही लेते हैं। तो क्योंकि अगला ये नंबर भी जो अलॉट हो रहे हैं व्हीकल को, ये भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। जैसे मोटरसाइकिल के अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में 25 डीलर हैं, चूँकि रजिस्ट्रेशन RTO ऑफिस में नहीं होता आजकल, रजिस्ट्रेशन वाहन डीलर कर रहा है। तो अगर 25 डीलर है तो 25 डीलरों के यहाँ वाहन फोर पोर्टल ओपन है। हर एक आदमी गाड़ी के
डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है और फीस जमा कर रहा है, करते ही उसको नंबर मिल रहा है, तो इसमें कोई मैनिपुलेशन की संभावना नहीं है। तो जिसने भाई किया टाइम पे उसको वो नंबर मिलेगा। और बाकी वीआईपी नंबर तो ये जो है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखे हैं, एक अधिसूचना जारी करके उनकी रेट निर्धारित कर रखी है, उसके आधार पर ही मिलती। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। चुनाव करीब आते ही ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश भर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। प्रमुख दल ही नहीं, आप पार्टी भी इस कवायद में जुट गई है। हाल ही केजरीवाल ने श्रीगंगानगर में रैली की, जिसमें अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे। इसके अलावा अलवर जिले सहित सभी जगह मोदी सरकार के 9 साल पर भाजपा अभियान चला रही है। आगामी विधानसभा चुनाव पर ये सभी पार्टियां निगाहें टिकाए हुए हैं। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं को याद आता है जनता से अब करनी है विकास की बात, बांटना है उनका हर दुख दर्द, जीतना है उनका भरोसा और करना है सत्ता पर फिर से कब्जा। कुछ ऐसा ही हाल है इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जो बचे हुए चंद महीनों में जनता जनार्दन के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और ताबड़तोड़ दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इस वक्त युवा नेता भी उनके आगे फेल हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वो खड़े हैं वहां अक्सर लोग बैठ जाया करते हैं। लेकिन गहलोत जी ने कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये अलग बात है कि विपक्षी उनके इन दौरों पर निशाना भी साध रहे हैं। बीते 18 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंगानगर में हुई अपनी रैली के दौरान ये कह दिया कि अगर पिछले 4.5 साल में काम किया होता तो इस उम्र में इतनी भागम भाग न करनी पड़ती। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब, चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने, उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने? कुछ नहीं किया। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो, गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई? पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई, तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। और पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में एक एक पेपर बिकता है। ये पेपर बिकता नहीं है, ये आपके बच्चों का भविष्य बिकता है। और ये झुंझुना दिया इन्होंने गहलोत साहब ने, 4.5 साल क्यों नहीं करा इन्होंने, अभी क्यों करा इन्होंने? चुनाव आ रहे हैं, वोट चाहिए। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे कह देंगे गहलोत साहब बजट घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है, और ये मुफ्त बिजली खत्म कर देंगे। वहीं बीजेपी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। पार्टी का कहना है कि बचे हुए 6 महीनों में चलो आखिरकार जनता की याद तो आई, नहीं तो कांग्रेस सिर्फ राजस्थान में अपनी सरकार बचाने में ही जुटे हुए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जोश से लबरेज है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं कि राजस्थान में सालों से चला आ रहा 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस सरकार का ये ट्रेंड बदल जाए। यही वजह है कि सरकार भी थकान को घर पर छोड़ निकल पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी प्रदेश में अपने अच्छे कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर। एक बार सत्ता में आने के बाद काम करना, लोगों के बीच जाना, जनादेश लेकर फिर से सत्ता में वापस आना, ये हर सरकार की कोशिश होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार भी इन दिनों इसी जुगत में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की स्फूर्ति को देखकर अब बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत जल्द ही कई बड़े नेता प्रदेश का दौरा करने वाले हैं।
हाल ही में जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि 28 जून को गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर में कार्यक्रम है। उसके अगले ही दिन 29 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भरतपुर में दौरा होगा। इसके बाद फिर 30 जून को वापस अमित शाह और राजनाथ सिंह का उदयपुर का दौरा होगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो चुनावी जोश भरेंगे। इन मैराथन दौरों का फायदा आखिरकार किस पार्टी को मिलेगा, इस सवाल के जवाब के लिए आपको भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन इन दौरों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर करता है कितना तेज जुबानी वार। पॉलिटिकल डेस्क एटीएल न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं भाजपा की ओर से महासंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत रविवार को अम्बेडकर नगर जिला कार्यालय पर बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत होंगे। पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर LED लगाकर कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा की ओर से अल्पकालीन विस्तारक प्रत्येक मंडल एवं शक्ति केंद्रों पर पहुंचेंगे। 25 तारीख को प्रबुद्धजनों का एक सम्मेलन जिले का हो रहा है, उसमें प्रदेश से आदरणीय ओमकार सिंह जी लखावत पधार रहे हैं और उनका मार्गदर्शन में इसमें सब कितने लोग शामिल होंगे, कहां पर होगा? करीब 200 से 250 की संख्या अपेक्षित है। कार्यक्रम भाजपा कार्यालय पर होगा, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर कल 2:30 बजे रखा गया। हमारे यहाँ एक अल्पकालीन विस्तारक योजना और है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को हमारा बूथ सबसे मजबूत उसका शुभारंभ करेंगे और 27 तारीख को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रत्येक मंडलों में हमने LCD वगैरह की व्यवस्था की है, वो सारे वहाँ पर कार्यक्रम को देखेंगे। कम से कम हर मंडल में 150 से 200 कार्यकर्ता रहना है और हमारे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में अल्पकालीन विस्तारक जो कि हरियाणा प्रदेश से हमारे यहाँ लगाए गए हैं वो हमारे यहाँ रहेंगे और बूथों का सत्यापन भी करेंगे और बूथों पर और भी जो काम है उसको भी देखेंगे। सर, ये सभी 506 जो आपके क्षेत्र के विधानसभा सब में जाएंगे? बिल्कुल, 30 मंडल है हमारे 6 विधानसभा में, 300 मंडल। उधर जिलाध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि महासंपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा सांसद पूनम गोयल भी अलवर दौरा कर चुके हैं। साथ ही विधानसभा सम्मेलन, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों एवं समन्वय समिति की बैठक सहित वरिष्ठ नागरिक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। इसके अलावा संपर्क से समर्थन अभियान जारी है, वहीं लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के जो कार्यक्रम हैं केंद्र सरकार के, उन कार्यक्रमों में व्यापार सम्मेलन, विधानसभा की टिफिन बैठक, लोकसभा की जनसभा, सोशल मीडिया, विधानसभा लोकसभा जिले का सोशल मीडिया का कार्यक्रम, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परिचर्चा, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन और योग दिवस समन्वय समिति की बैठक और महासंपर्क से समर्थन, ये कार्यक्रम तो अभी चल रहा है। लाभार्थी सम्मेलन भी हमारे यहाँ 50% हो चुके हैं, बाकी का अभी और होना है, वो हो जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी एवं मुंबई से सांसद पूनम महाजन जी दोनों लोकसभा के इस कार्यक्रम में पधारे थे और लोकसभा के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम हुए और लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुना और लोगों से संवाद किए, प्रेस भी उन्होंने की। CAO का जो अपना है उनसे भी उन्होंने बात की, सारे CAO से बात हुई है उनकी, व्यापारियों से बड़ी खुलकर चर्चा हुई है, उनकी जो परेशानी है व्यापारियों का जो भी है
उन सबसे बड़ी खुली परिचर्चाएं हुई है, महिला सम्मेलन भी हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। शहर में अरावली विहार थाना अंतर्गत जयपुर चुंगी के समीप सड़क मार्ग पर एक श्वान के आने से बाइक सवार पति पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सिलीसेट गांव निवासी सुनील जाटव अपनी पत्नी मंजू और दो बालिकाओं मिष्टी और खुशी के साथ बाइक पर सवार होकर अलवर आ रहे थे। रास्ते में चुंगी के समीप एक श्वान अचानक रास्ते में आ गया और उनकी बाइक असंतुलित होकर पलट गई। घायलों को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये सर सुनील जाटव और उनकी पत्नी मंजू, उनकी मिष्टी और खुशी, चारों जने आ रहे थे सिलीसेट से और ये मार्केट जा रहे थे, तो इनका चुंगी पर एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता आगे आ गया है, इसलिए तो हमने इनको देखा और हम इनको अस्पताल ले आए। कितने लोग थे ये? चार लोग थे सर। चार लोग, दो बच्चे, दो मिसेज और हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ थे। अलवर किस लिए आ रहे थे? अलवर ये मार्केट आ रहे थे सामान लेने, तो उन्होंने इनको देखा, इनके कुत्ते के आगे आने के कारण एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हमने इनको देखा, हम इनको अस्पताल ले आए तुरंत। इसमें लेके आए हम? ई रिक्शा था हमारे पास, हम उसी में इनको बैठ लाए। हम ई रिक्शा चलाते हैं सर, हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमने इनको देखा इसलिए हम उनको ले आए। बाइक कहाँ है? इनकी बाइक फिलहाल चुंगी पर ही खड़ी है, ये बोल रहे थे कि हम उनको यहाँ से फ्री होने के बाद ले जाए। बाइक का तो सर हमें पता नहीं, कन्फर्म नहीं है अभी, लेकिन बाइक वहीं खड़ी है ये हमें कन्फर्म है। चोर आमतौर पर सोने मकानों और दुकानों को तो निशाना बनाते ही हैं, लेकिन कलयुगी शातिरों ने अब मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शहर के विवेकानंद नगर स्थित चमत्कारी प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरों ने दो चांदी के छत्र, पंखे और पूजा का सामान सहित दान पात्र में रखी नकदी पार कर ली। समिति के कोषाध्यक्ष जयदीप यादव ने इस संबंध में अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। वही पुजारी महेंद्र शर्मा के अनुसार लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वही चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। ये मान चलो 2 बजे के करीब चोरी हुई है, दिन दहाड़े तो इसमें 5 लॉक तोड़े गए, सीसीटीवी का ताड़ा तोड़ा गया है, राम मंदिर का ताड़ा तोड़ा गया है और राधा कृष्ण का तोड़ा गया, देवी का तोड़ा गया है, स्टोर का तोड़ा गया है। इसमें से 2 पंखे गायब हैं, तिजोरी में से पैसा गायब है। कितना? अभी इसका तो अंदाजा अपन नहीं लगा सकते कितना है। बाकी जो तांबे का सामान था, पीतल का सामान था, वो सारे गए। चांदी के थे, 10-15 हजार रुपये का नुकसान है। घी वगैरह गया है, खुले पैसे थे जो अंदर रखे थे वो। तो रीट पेपर लीक मामले में ईडी द्वारा मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर ईडी की कार्यवाही पर जागरूक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष जले सिंह के अनुसार पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हुआ था। वहीं ईडी की कार्यवाही पर युवाओं को भरोसा हुआ है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी। रीट के मामले में लाखों युवाओं का भविष्य इस गहलोत सरकार ने खराब कर दिया। रीट के मामले में आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि परतें खुलती जा रही हैं और कड़ी आरपीएससी तक भी पहुंच गई है। और अभी ईडी ने जब कार्रवाई की, भारत सरकार ने जब इसमें ईडी ने कार्रवाई की, तब जाके युवाओं को भरोसा हुआ है कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो असली मुजरिम हैं, जो बड़े डकैत हैं, उनका हाथ आना भी बाकी है। और हमारी मांग है ईडी से कि ये जो बड़े मुजरिम हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, इनको भी पकड़ के सजा देनी चाहिए। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार जहां जहां चुनाव होते हैं वहां केंद्र द्वारा ईडी को लगा दिया जाता है। भाजपा की नजर में उसके सभी नेता ईमानदार हैं और कांग्रेस के सारे नेता बेईमान हैं। ईडी को तो आपने एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि राजकाज आते जाते रहते हैं, गलत परंपरा नहीं डालनी चाहिए। उससे पहले सारी कार्यवाही राज्य सरकार कर चुकी है, अच्छे अच्छे लोगों को वहां बंद किया जा चुका है, जांच लगातार जारी हो चुकी है, सारे काम बड़े सिस्टम तरीके से चल रहे हैं। लेकिन चूंकि जब जब चुनाव आते हैं ये सारे के सारे जमाई के रूप में भेज देते हैं। जहां चुनाव होंगे, बंगाल में होंगे बंगाल भेजेंगे, कर्नाटका में होंगे चुनाव तो कर्नाटक भेजेंगे, हिमाचल होंगे तो वहाँ छापे पड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ईडी ने कितने विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई की है? राजस्थान में और भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या सारे ईमानदार हैं? वो केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए, एक भी व्यक्ति पर छापा नहीं पड़ा। क्यों समझ नहीं रहे जनता? राजस्थान तो गांधीवादी मुख्यमंत्री चला रहे हैं, कोई आरोप नहीं आज तक भ्रष्टाचार का। पूरी ताकत लगा दी नरेंद्र मोदी जी ने, इनके पास खूब भेजे लेकिन कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ईमानदार लोग होंगे। कांग्रेस के लोग ईमानदारी से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में
टारगेट बना के काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से उठा उठा कर जेलों में बंद करने का काम किया है वो गलत परंपरा डाली जा रही है। इस परंपरा का विरोध है और यही विरोध, क्योंकि राज तो परमानेंट रहते नहीं है, सरकारें बदलेंगी फिर उसी भाषा में हमको सुनने को मिलेगा। इसलिए आप नरेंद्र मोदी जी को ईडी को छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए। उधर अशोक कुमार शर्मा के अनुसार ये मामला गंभीर है और युवाओं के साथ धोखा हुआ है, ऐसे में दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं कुछ जागरूक लोगों का कहना है कि ईडी की कार्यवाही उचित है, इसके जरिए पेपर लीक के सभी दोषियों का खुलासा होगा। मेरा इसमें निजी विचार ये है कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और इसमें बहुत ही मासूम जो बेचारे हमारे छात्र थे जो भविष्य के और देख रहे थे उनके भविष्य पे बड़ा एक कुठाराघात हुआ है। तो ऐसे में जो भी इसके अंदर कल्प्रिट है चाहे वो कितने भी बड़े पद पर शोभित हो उनका खुलासा होना चाहिए और संभवतः मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जरूर ईडी उनके नामों को सामने लाएंगे। हर कोई अपनी मेहनत करता है कि वो प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होके आगे आए, उनको नौकरी मिले। अगर पेपर लीक होता है तो ऐसी सूरत के अंदर उनके पैरों पे तो कुठाराघात होता है ना, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर बाजार में आ जाता है। कुठाराघात होता है उनके भविष्य पे एक असर पड़ता है, ना केवल उनके भविष्य पे संभवतः उनके जो परिवार है उनके भी आशाओं पे कुठाराघात होता है। ये एक गंभीर विषय है और इसके लिए उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो इसके लिए दोषी हो, और उनका नाम सामने आना चाहिए ताकि भविष्य के लिए इन चीज़ों से बचा जा सके। और हमारे नवयुवक बच्चों के लिए जो पेपर की तैयारी करते हैं उनके भविष्य पे ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद करने में तुलने, ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना चाहिए तथा कानून के तहत उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए तथा निश्चित रूप से जल्दी ईडी को इस प्रकरण में जांच करनी चाहिए और ईडी को चाहिए कि वो एक दो दिन के अंदर ही बड़े नामों का खुलासा करे और उनकी भी गिरफ्तारियां करें, नाम खुलासा करने के साथ ही उनकी हाथों गिरफ्तारी भी करें ताकि वो किसी प्रकार से बच नहीं जाए। क्योंकि ये बच्चे तैयारी करते हैं, साल साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद वो पेपर देने जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, उनको फिर बाद में पता लगता है कि साहब पेपर आउट हो गया, फिर बेचारे दोबारा बच्चे मायूस हो जाते हैं, उनका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में बेरोजगारी है और वो मेहनत करके अपना रोजगार पाने के लिए एग्जाम देते हैं, वो आउट हो जाता है पेपर, तो इस पर रोक निश्चित रूप से रखना चाहिए। फास्ट ट्रैक के अंदर इन प्रकरणों को ले जाना चाहिए और मेरा तो राजस्थान सरकार से एक मांग भी है कि के लिए इसके लिए जयपुर में एक अलग से पेपर लीक प्रकरण के संबंधों के संबंध में एक अलग से न्यायालय गठित करें ताकि डे टू डे सुनवाई की जा सके, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और समाज के अंदर मैसेज जा सके कि साहब ऐसे लोगों के प्रति कानून बहुत सख्त है, कोई भी आगे भविष्य इस तरह की कार्रवाई ना करे। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने अरसे पहले एक आदेश जारी किया था, इसमें नए भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिसूचित योजनाओं को योजना क्षेत्र से मुक्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद अलवर के जिला प्रशासन एवं आवासन मंडल के जिला कार्यालय की ओर से शहर में ट्रांसपोर्ट नगर के पास खसरा संख्या 2207 से 2250 तक को अवार्ड मुक्त नहीं किया गया। पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि उनके वार्ड में संबंधित खसरों की भूमि पर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवार्ड घोषित कर रखा है, जबकि यह जमीन भूमि मालिकों के पास है और उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इन सभी जमीनों पर आबादी बस चुकी है और इस अवार्ड के कारण पट्टों एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। यादव ने सरकार से अलवर शहर की सभी कॉलोनियों में अवार्ड मुक्ति की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस तरह का आदेश राजस्थान आवासन मंडल के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने पूरे राजस्थान में निकाले हैं, जिसमें अपने यहाँ अलवर जिला भी शामिल है। उसमें यहाँ राजस्थान आवासन मंडल की जो जमीन थी 1994 जो आपत्ति की रही थी, उस जमीन पे जो इन्होंने छोड़ी हुई जमीन थी जो काश्तकारों द्वारा अभी काश्तकारों को द्वारा कब्जा है और उस जमीनों पे प्लॉटिंग हो चुकी, तो उनका भी राजस्थान आवासन मंडल प्रमुख शासन सचिव ने पत्र निकाला था। उस पत्र का हवाला देते हुए 6 दिसंबर 2022 को पत्र निकाला था और उस पत्र का हवाला में ये है कि नए जो भूमि आपत्ति अधिनियम है नए के तहत उसको मुक्त किया जाएगा और अभी तक राजस्थान आवासन मंडल ने वो सर्वे रिपोर्ट जयपुर नहीं भेजी है। इस तरह की नगर विकास न्यास के अधीन भी कोई योजनाओं में इस तरह की भूमि आ रही थी तो उनको मुक्त करने का जो प्रमुख शासन सचिव ने पत्र लिखा था
और इन योजनाओं को इस तरह मुक्त करके जनता को पट्टा देने का जो राजस्थान सरकार का अभियान था वो भी बिल्कुल माइनस होता गया था, माइनस हो रहा भी। राजस्थान सरकार का पट्टा अभियान बिल्कुल फेल है। अगर इन चीन इन जमीनों को मुक्त करते तो सरकार को राजस्व प्राप्त होता था, सरकार की अच्छी वो होती थी और लोगों को पट्टा लेके जो जन सुविधाएं थी वो भी मिलती थी। आपके वार्ड में ये बड़ी समस्या है, तो आपके वार्ड में कितनी जमीन है, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे, कितने लोगों को पट्टा नहीं मिल पा रहा, क्या मामला है? मेरे वार्ड में अधिकतर लोगों ने पट्टा के लिए फाइल लगा रखी है और जब बाद में वे पट्टा के लिए सर्वे पर यूआईटी से आते हैं तो वो नोट सीट पर लिख देते हैं, नोट लगा के कि आपकी भूमि उसमें राजस्थान आवासन मंडल में आ रही है, इस पर हम पट्टे नहीं दे सकते। और इस तरह की 70% आबादी इस क्षेत्र में हुई पड़ी है मेरे वार्ड में, एग्रीकल्चर में जो इस तरह की भूमि जो राजस्थान आवासन मंडल की है उन्होंने ली नहीं, छोड़ रखी है। 70% भूमि पर आबादी बस चुकी है और न ही लोगों को यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। वार्ड के लोग आपसे कहते हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए किसको मुक्त कराया जाए क्या? वार्ड के लोग मेरे पास आते हैं इस तरह के लगातार रोज, हर 10-5 दिन में कोई न कोई लोगों का निजी संपर्क भी रहता है, फोन पे भी कहते हैं भाई साहब हमको पट्टा नहीं मिल रहा। मैंने भाई ये राजस्थान आवासन मंडल इसको डी एक्वायर करेगा तब जाकर आपको पट्टा मिलेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स काला कुआं अलवर 301001। कांटेक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर जिसकी 9-layer टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद, इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला स्तरीय सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को द बीस्ट जिम में हुआ। इसमें अलवर जिले के 30 पुरुष और 7 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक शहजाद खान, राहुल शर्मा और प्रशांत अवस्थी रहे। इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को पदक देकर भारत भूषण गुलाटी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं विजेता खिलाड़ी बांदीकुई में होने वाली राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बारे में आयोजन सचिव आशीष जैमन ने जानकारी प्रदान की।
जगन्नाथ मेले में आम जन से भगवान को मुरमुरे का प्रसाद नहीं चढ़ाने को लेकर अपील की गई है। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार मुरमुरे का प्रसाद नहीं चढ़ाएं क्योंकि यह हल्का होने के कारण उड़कर पैरों में आता है। प्रसाद वह चढ़ाएं जो वितरित हो सके और भगवान को भोग भी लगाया जा सके। उनका यह भी कहना था कि जगन्नाथ जी को मावे का भोग लगाया जाता है। से अपील करता हूं कि जो रूपवास में अपने जो भर मेला होता है जिसमें लाखों आदमी अलवर के जिले के या दूर से आते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो मुरमुरे का प्रसाद न चढ़ाएं क्योंकि वो पैरों में आता है। प्रसाद भगवान को वो चढ़ाना चाहिए जो प्रसाद में वितरित भी हो सके और भगवान के भी भोग लग सके। वैसे तो हमारे जगन्नाथ जी के जो है मावे का या उसका भोग लगता है, फिर भी मैं अपील करूंगा कि मुरमुरे का प्रसाद तो बिल्कुल कतई नहीं चढ़ाएं क्योंकि वो पैरों में आता है और भगवान का प्रसाद इस तरह पैरों में आना प्रसाद का अनादरण करना है। इसलिए सभी अलवर वासियों से मेरी अपील है कि इस तरह का प्रसाद कोई भी नहीं चढ़ाए जो कि पैरों में आवे। उधर भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर के आचार्य राजेंद्र पंडित का कहना था कि भगवान को शास्त्रानुसार नवोदय का प्रसाद ही अर्पित किया जाता है, वहीं मुरमुरे नवोदय की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा मुरमुरे जिस विधि से बनाए जाते हैं उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान को वह भोग लगता है जिसमें आनंद है और रस है, ऐसे प्रसाद को पाकर भगवान भी आनंदित होते हैं। देखिए शास्त्रोक्त विधि यही है, भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, अपने भी मंत्रों में जब पूजा कराते हैं नैवेद्यम समर्पयामि नमः, तो मुरमुरिया में तो कोई नैवेद्य का भी नहीं होता है। मुरमुरिया जिस विधि से बनाए जाते हैं उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, तो भगवान को नमक का भी भोग नहीं लगता है। तो मेरा तो सबसे प्रार्थना है भगवान को भोग वो लगता है जिसमें आनंद प्राप्त हो, जिसमें रस हो। भगवान को भोग लगे तो भक्त को भी उसका प्रसाद मिले तो फिर उसका आनंद प्राप्त हो। तो मुरमुरिया तो वैसे भी रूखा भोजन है, कोई ढंग का इसका भगवान को भाव नहीं। अगर प्रसाद चढ़ाकर बांटते भी हैं तो ये निकल जाते हैं, पैरों में आ जाते हैं। पैरों में अन्न आना ये भी अपराध है, तो हम प्रसाद भगवान को चढ़ाएं और अपराध भी कमाएं तो दोनों तरह से पाप लगता है। और भगवान को तो नैवेद्य अर्पण करते हैं, भगवान को तो रूखा भोजन नहीं लगाया जाता है। आपने देखा है व्यंजन मालपुआ खीर पकौड़ी कचौड़ी, ये भगवान को जो है गरिष्ठ भोजन लगाया जाता है जिससे भगवान उसमें रस करके और भक्त को प्रसाद दे तो आनंद आवे। भक्त का प्रसाद लेने से उसकी तृप्ति हो जाती है। जब तक जिसमें मीठा नहीं हो वो प्रसाद भगवान अर्पण नहीं करेंगे, और भगवान अर्पण नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा और मुरमुरिया अन्न का अनादर होगा। इसलिए आप शास्त्र के विधि के अनुसार भगवान की रुचि के अनुसार जो प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान भी आपका प्रसाद पाएंगे, भक्त भी प्रसाद पाएगा, दोनों को अमृत मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास शिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर का समापन समारोह नेकीराम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समाज सेवी दिनेश भार्गव के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। साथ ही विशिष्ट अतिथि सीओ प्रमोद कुमार शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान कौशल प्रदर्शनी लगाने के साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं संभागियों को पारितोषिक भी प्रदान किए गए। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य पुष्पा कुंदरानी द्वारा किया गया, जबकि संचालन सीओ गाइड कल्पना शर्मा और आभार ज्ञापन अनूप सिंह ने किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर द्वारा संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास अलवर में अभिरुचि शिविर और दर्शक दिवस का समापन समारोह कार्यक्रम 23 तारीख को शाम को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डीके राम जी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर एवं दिनेश भार्गव जी समाज सेवी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमोद कुमार शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा जो कला सीखी गई उसकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मेहंदी वेस्ट मटेरियल से हैंडीक्राफ्ट बनाना, सिलाई, पोस्टर पेंटिंग आदि का, और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों ने यहाँ पर नृत्य सीखे थे उसका प्रदर्शन किया गया। वाद्य यंत्र में ढोलक और हारमोनियम सीखा उसका प्रदर्शन किया गया, और इसी के साथ साथ जो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण संभागियों को दिया गया था उसका प्रशिक्षण यहाँ पर किया। साथ ही साथ शिविर के दौरान जो प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई थी उन सभी बच्चों को प्रथम और द्वितीय का पारितोषिक वितरण भी अतिथियों के द्वारा किया। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया है इस प्रशिक्षण शिविर में? 110 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। शहर में स्कीम एक स्थित श्याम मित्र मंडल द्वारा गिरिराज महाराज का 2 दिवसीय विशाल भंडारा गोवर्धन जी में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शनिवार को मेहताब सिंह के नोहरे से पूजा अर्चना के बाद भक्तों का जत्था रवाना किया गया। साथ ही भंडारे के लिए आवश्यक सामग्री ट्रक में भेजी गई है। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस बार यह नवा भंडारा है।
हमारा नियमित रूप से किया जाने वाला वार्षिक जो दो दिवसीय भंडार है उसे उसका आयोजन आज किया जा रहा है। आज भंडारे का नवा क्रम है जो आज अलवर से पूछरी के लौटा गोवर्धन के लिए यहां से रवाना हो रहा है और दो दिन तक चलेगा 24 जून और 25 जून अर्धरात्रि के बाद तक। इनके द्वारा किया जा रहा है भंडारा, ये हमारा नियंत्रण प्यास है, हम आगे भी श्याम मित्र मंडल स्कीम नंबर 1 के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी भक्त लोग आमंत्रित हैं, सभी पधारें, प्रसाद ग्रहण करें और इस भंडारे के आयोजन को सफल बनाएं। बहरोड कस्बे के सामुदायिक भवन में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला संयोजक हिमांशु शर्मा रहे। उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता समझाई, साथ ही सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जानकारी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। आज बहरोड में हमारा कार्यक्रम हुआ है, बहरोड में इतना शानदार शिविर लगाया गया सामुदायिक भवन में, इसमें तमाम गांधी कार्यकर्ता और महिला गांधी कार्यकर्ता भी आई है। वहाँ हमने नई नियुक्तियाँ भी करी हैं, अब हम नगर पालिका में भी जाएंगे, वहाँ भी हमने संयोजक बनाए हैं। इस तरीके का हर वार्ड और हर बूथ लेवल पर काम शुरू हो रखा है और सरकार की जो जनकल्याणकारी योजना है उन योजनाओं का भी हमारे गांधी कार्यकर्ता शिविर में तो कर ही रहे हैं, उसके बाद फील्ड पे हो जाकर हर व्यक्ति के गरीब के आंसू पहुंचने का काम जो राज्य सरकार कर रही है तो वो भी बड़ी प्राथमिकता से सरकार की योजनाओं को हम लोग बढ़ाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पर शिक्षक संघ रेसटा द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके जरिए स्नातक और दो वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर जोर दिया गया। प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अलवर के अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रवक्ता राजीव चौधरी के अनुसार प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह सलावत के नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर पर स्नातक दो वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों चयनित अभ्यर्थियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक श्रीमान अशोक कुमार मीणा जी को ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में हुई भर्तियां 2012, 2013, 2016, 2018 में भी स्नातक प्लस दो वर्षीय डिप्लोमा धारक सामान्य शिक्षा अभ्यर्थियों को L2 पद के योग्य माना गया था, लेकिन वर्तमान में जारी 2022-23 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में इन्हें अकारणी अयोग्य कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह सलावत के साथ मिलकर शिक्षा निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन किया और शामिल करने की मांग उठाई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर, यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटीघाटी अलवर। कॉन्टेक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
एडीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमिन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स। और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1 चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं होने को लेकर यहां के पार्षद रोहिताश घांगल ने विधायक क्रांति प्रसाद मीणा पर आरोप लगाए हैं। रोहिताश के अनुसार थानागाजी में विधायक ने सिर्फ घोषणाएं ही की हैं। जल जीवन मिशन के तहत नगरपालिका क्षेत्र में 25 वार्डों के लिए करीब 40 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन एक भी वार्ड की समस्या दूर नहीं हो पाई है। इसे लेकर पार्षद द्वारा धरना दिया जाएगा। थानागाजी विधानसभा में अभी जो निर्दलीय विधायक क्रांति प्रसाद मीणा जी हैं, उन्होंने विकास के काम पे मात्र घोषणाएं की हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुए। जे योजना का जो नगरपालिका परिक्षेत्र के लिए जो पैसा आया था 25 वार्डों के लिए, समथिंग 40-45 करोड़ रुपए आ गया, लेकिन पानी के लिए अभी तक एक रुपया भी थानागाजी के किसी भी वार्ड में नहीं लगा है। पिछले 5 दिन से थानागाजी की जनता पानी के लिए तरस रही है, पानी नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कल मैं धरने पर बैठूंगा। नगर पालिका जो चेयरमैन है चौथमल, वो भी विधायक के दबाव में काम करता है, प्रॉपर काम नहीं हो रहे हैं। और सभी जगह है जो भ्रष्टाचार, आपने देखा होगा पिछले दिनों विधायक के जो दोनों बेटे हैं भ्रष्टाचार में ही जेल गए हैं, जेल भी जाकर आए हैं। अब जब विधायक खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि विकास कैसे होंगे। गांव में रोड बननी चाहिए थी, अभी भी 80% जो गांव हैं रोडों से अपेक्षित हैं, रोड नहीं बनी है, उनमें रोड बनने चाहिए थे। मालाखेड़ा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगदीश जी के मंदिर से महाआरती और पूजा अर्चना के साथ निकाली गई। वहीं महंत ने सभी की सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना की। लगभग 200 वर्षों से यह रथ यात्रा निकल रही है। शुक्रवार शाम 7:15 बजे मंदिर में महाआरती की गई। पूजन के साथ ही भगवान जगन्नाथ को रथ में विराजमान किया गया। इस अवसर पर महंत रामोतार दीक्षित, पूर्व प्रधान अशोक कुमार दीक्षित, शिव दीक्षित, हरिओम और प्रहलाद आदि मौजूद रहे। वहीं महिलाओं ने बच्चों को दर्शन करवाए। रथ यात्रा में अनेक झांकियां शामिल रही, साथ ही कई जगह प्याऊ लगाई गई। यह रथ यात्रा तुलसीराम जी की बगीची पहुंची। 25 जून की रात्रि वरमाला महोत्सव होगा। भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा का कार्यक्रम है। जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से रथ यात्रा लगभग 7:15 बजे प्रारंभ होगी, जो मालाखेड़ा के मुख्य मार्गो से होती हुई रात्रि को करीब 11:30 बजे तुलसीराम जी की बगीची पर पहुंचेगी। बुर्जा में समाजसेवी महेंद्र कुमार द्वारा धार्मिक स्थल पर पौधरोपण किया गया। यहां मेगा हाईवे स्थित सेठ माता के मंदिर में अनेक पौधे लगाए गए, साथ ही इन्हें सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ लोहे की जालियां भी लगाई गई हैं। समाज सेवी महेंद्र कुमार ने बताया कि पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदारी ली गई है। जेठ के महीने में बारिश होने के साथ ही किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई कर दी थी, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण अब ज्वार और बाजरे की फसल सूखने के कगार पर है। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल पा रही, ऐसे में किसानों को नुकसान का अंदेशा बना हुआ है।
हीरालाल गुजर, रतिराम, पदम गुजर, गणपत सिंह, ईश्वर सिंह और मूल सिंह आदि किसानों के अनुसार बिजली की कमी से सिंचाई मुश्किल हो गई है। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से बढ़ते तापमान और तेज धूप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं पशु पक्षी भी इस गर्मी से परेशान है। हालांकि गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरीके भी ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में जमालपुर गांव में अनेक बच्चे कुएं के समीप पानी से अटखेलियां करते हुए देखे गए। लोगों को मानसून आने का इंतजार बना हुआ है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा मालाखेड़ा तहसीलदार को एपीओ किया गया है। साथ ही कार्य मुक्त होकर राजस्व मंडल में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसकी पालना में मालाखेड़ा तहसीलदार शैतान सिंह शुक्रवार को रिलीव हो गए। उन्होंने इस पद का कार्यभार नायब तहसीलदार मधुकर को सौंपा है। उधर सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग को लेकर कार्यवाही नहीं हो रही थी। इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की गई थी। अकबरपुर कस्बे में बंदरों के आतंक के चलते लोग परेशान हैं। बंदरों के काटने से कस्बे के लगभग हर घर में कोई ना कोई पीड़ित हुआ है। वहीं ग्रामीण सेडूराम प्रजापत को बंदरों ने काट कर घायल कर दिया, जिसका उपचार अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवाया गया। ग्राम पंचायत में वर्षों से बंदरों का आतंक बना हुआ है। वे घरों में घुसकर सामान और खाद्य सामग्री भी उठाकर ले जाते हैं। जागरूक नागरिक कालीचरण गुप्ता ने बताया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर सुरेंद्र चौधरी के अनुसार यहां बंदर के काटने से पीड़ित 5 से 6 लोग रोजाना आते हैं। यहां पे पर डे एवरेज 6 से 7 पेशेंट डॉग बाइट और मंकी बाइट के आते हैं। मंकी बाइट के ज्यादा बंदर को भगा रहा था, ये पीछे से आया, कंधा दोनों कंधे पकड़ लिए और बाजू में सटा गया। तो कितनी अपना अकबरपुर में कितनी समस्या बंदरों की? अकबरपुर में कोई सीमा ही ना है उनकी, तो एक आध 10,000। कितने सालों से है? अरे कोई हमने तो देख रहा है तो आज 25-30 साल हुए। अब ज़्यादा ही हो गए बंदर, अब ज़्यादा अति कर रखी। दिन में 1-2 आदमी को तो घायल करता होगा। तो नेता वगैरह आते हैं इनसे बताइए? अरे बड़ा बड़ा आदमी जाना, अब हम तो मजदूर आदमी, हमारा काम धूमधाम से कर मांगा। ज़्यादा परेशान है, शिकायत हम कौन कौन करा, हम तो नहीं अस्पताल में और इंजेक्शन लगवा लेवा दवाई गोली ले जाओ। माधोगढ़ के ग्रामीणों ने एकजुट होकर भर्तरी इंदौक से मालाखेड़ा तक रोडवेज बस के लिए मांग उठाई है। ग्रामीण सुखराम पोसवाल के अनुसार मालाखेड़ा में एसडीएम कार्यालय, तहसील मुख्यालय और पंचायत समिति बनने के बाद आवश्यक कार्य से वहां जाना पड़ता है। ऐसे में रोडवेज बस की जरूरत बनी हुई है। पहले हमारी तहसील सर्किट अलवर लगता था, ब्लॉक उमरेन लगता था, जो कि उनको हटाकर अब हमारी सर्किल मालाखेड़ा कर दिया है और ब्लॉक हमारा मालाखेड़ा हो गया, थाना भी मालाखेड़ा हो गया, एसडीएम कार्यालय मालाखेड़ा हो गया। मालाखेड़ा से हमारा आवागमन ज़्यादा जुट गया है, इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि यहाँ से और मालाखेड़ा की जो दूरी है वो 22-23 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ कोई किसी प्रकार का साधन नहीं है। हमको एक छोटा सा काम पड़ता है, तहसील स्तर का पड़ो या ब्लॉक स्तर का पड़ो, कोई भी कार्य पड़ो, तो हम मालाखेड़ा जाते हैं। मालाखेड़ा के लिए हमको 16 या 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इसलिए उच्च अधिकारियों से सभी से निवेदन है कि हमारे यहाँ कोई साधन लगाया जाए जिससे आने जाने में किसी को परेशानी हो। वैसे हमारे यहाँ पर बाबा भर्तरी का जो मेला लगता है, लक्खी मेला लगता है, सावन भादवा, इन 2 महीनों में तो अति जनता आती है, लाखों की संख्या में। वैसे बैसाख का मेला भी यहाँ लगाया जाता है, तो छठ पूनो वो भी यहाँ 12 पूनो भी जनता आती जाती रहती है, 12 आठों भी आती जाती रहती है। इसीलिए यहाँ जनता का आवागमन ज़्यादा है। लक्ष्मणगढ़ से जुड़ाव हमारा ज़्यादा है, मालाखेड़ा से जुड़ाव ज़्यादा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि हमारे यहाँ थानागाजी से या भर्तरी जी से जहाँ से भी कोई साधन की सुविधा करके और लक्ष्मणगढ़ या मालाखेड़ा तक साधन लगाया जाए, जो हमको आने जाने में सुविधा हो। अकबरपुर क्षेत्र में सब्जी की फसल को आवारा गौवंश से बचाने के लिए किसान प्रयासरत हैं। खेतों में आवारा गौवंश और वन्यजीव घुसकर फसल को चौपट कर जाते हैं। ग्रामीण विक्रम पटेल के अनुसार इसी वजह से खेतों के चारों ओर तारबंदी की जा रही है। हालांकि खेत का क्षेत्रफल निर्धारित सीमा से कम होने के कारण उन्हें कृषि विभाग द्वारा तारबंदी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान ने खेती में इस टाइम हमने घिया बो रखी है, मौसम अनुसार सब्जी करते हैं, तो इसके लिए रोज और जंगली जानवर आ जाते हैं, आवारा गाय डोलते हैं, बणजार डोलते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, उसके लिए तार फेंसिंग कर रहे हैं। तो हमारा गोवंश से ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा परेशानी है लीली गायों से इनसे। अब क्या है, जैसे सबको की ज़मीन एक साथ होती तो उसमें गवर्नमेंट मुआवजा देती है। अच्छा। तारबंदी के लिए तो वो भी ले लेते हैं, अब आध आध बीघा के लिए तो कौन देता है। तो ये अपने सरिस्का के जानवर भी आते हैं? सरिस्का के जानवर बहुत तेज आते हैं।
उमरैन पंचायत समिति की माचड़ी ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जायजा लिया और ग्रामीणों को संबोधित भी किया। यहां जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। गर्मी के बावजूद ग्रामीण पंजीयन के लिए पहुंच रहे हैं। आज 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मनरेगा के अंदर 125 दिन का काम, 2 पशुओं का बीमा, 500 रुपए में सिलेंडर और अन्नपूर्णा किट जैसी योजनाएं सरकार लेके आई है और इन सब लोगों का लाभ आपको मिल रहा है। अब तो जो हमारी मातृशक्ति जो दिखाई दे रही है यहां भी वहां भी, अब अगले नंबर तुम्हारे है और तुम सबको मोबाइल मिलेगा रक्षाबंधन से, ठीक है? जो पहले हमारी घोषणा थी और हमने तो कह दिया भाई मोबाइल, क्योंकि एक साथ इतने मिल नहीं पा रहे, 1,20,00,000 एक जैसे मोबाइल मिलना बहुत मुश्किल है, तुमने कह दिया कि भाई 3 साल का रिचार्ज और बाकी पैसे सीधा दे दो इनको, जो अच्छा लगे वो खरीद लो, नगद नारायण आप लोगों को दे देंगे, मोबाइल नहीं मिले तो आपको रक्षाबंधन से मोबाइल की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और भाई अधिकारियों को आपको पहले दे दिया, पटवारियों को इन सबको भी दे रहे हैं, सारी परचेजिंग चल रही है। शाजापुर कस्बे में कई वर्षों से चली आ रही राजकीय महाविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने एक बैठक की। गौरतलब है कि आज तक क्षेत्र में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि कस्बे में 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ 20 से अधिक निजी विद्यालय संचालित हैं। वहीं बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य रामधन यादव ने की। इस दौरान अध्यक्ष सुरेश यादव ने इस बारे में 22 जून को मुख्यमंत्री से की गई मुलाकात से अवगत कराया। साथ ही 25 जून से हस्ताक्षर अभियान एवं 29 जून को बीजवाड़ मोड़ स्थित मुख्य बस स्टैंड पर धरना देने का निर्णय लिया गया। बैठक में रामधन यादव, सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज यादव, धर्मपाल मीणा, लीला राम चौधरी और सुबे सिंह आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी के थड़ा स्थित आशियाना टाउन बीटा सोसाइटी में गत दिनों हुए रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी चुनाव को अमान्य माना गया है। सहकारी समिति उप रजिस्ट्रार ने फिर से चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। उप रजिस्ट्रार प्रकाश नारायण झा ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में प्रमोद रंजन को नियुक्त किया था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में उनके स्थान पर बने सिंह विधूरी को शामिल कर लिया गया, जबकि चुनाव समिति के 4 सदस्यों ने पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद चुनाव स्थगित करने की सूचना जारी की गई थी। उधर वोटर लिस्ट में अयोग्य घोषित किए गए कुछ लोगों को भी शामिल करने के आरोप थे। वहीं नए अध्यक्ष डॉक्टर ए के सिंह के अनुसार वह इस एक तरफा फैसले को लेकर विरोध दर्ज करवाएंगे। मैं आसियाना टाउन बीटा रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का दोबारा चुना गया अध्यक्ष हूँ। भिवाड़ी में खड़ा में स्थित आसियाना टाउन बीटा सोसाइटी में गत 30 अप्रैल को हुए RWS के चुनाव को सहकारी समिति उप रजिस्ट्रार ने 7 सदस्यीय चुनाव समिति के तत्वाधान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद कमेटी के ही 2 सदस्यों की शिकायत को सही मानते हुए एक तरफा चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव करने का आदेश जारी किए थे, किंतु मेरे द्वारा उप रजिस्ट्रार प्रकाश नारायण झा के समक्ष जब सारे तथ्यों को रखा गया, तब उप रजिस्ट्रार ने तथ्यों की जांच कर पाया कि पूर्व में कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा चुनाव उपरांत की गई शिकायत तथ्यहीन है, अतः उप रजिस्ट्रार ने चुनाव निरस्त करने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए चुनी हुई कार्यकारिणी को मान्यता प्रदान कर दी। विचारणीय यह है कि आखिर विजयी मैनेजमेंट कमेटी से किन शक्तियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई और मनमाने उगाही की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दिया, जिसके कारण चुनाव के बाद शिकायत की गई। निवासियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी हालत में निवासियों का शोषण नहीं होने देंगे। नई कार्यकारिणी कटिबद्धता के साथ दोबारा निवासियों के कल्याणकारी कार्य के लिए प्रस्तुत है। उप रजिस्ट्रार के निर्णय का सोसाइटी में हल्लोल्लास और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया तथा चुनी हुई कार्यकारिणी को बधाइयां देने के लिए यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। तिजारा कस्बे के अजीत स्कूल में मौनी बाबा गौशाला के लिए रोटी बैंक की शुरुआत की गई। समाज सेवी प्रीति जैन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कदम उठाया गया। इसके जरिए बच्चों में भी गौ सेवा का भाव जागृत होगा। इस कार्यक्रम के दौरान तिजारा प्रधान जयप्रकाश यादव, मौनी बाबा गौशाला प्रमुख तेजपाल, रामनिवास यादव, इंदर सिंह दहिया, किशन गुप्ता और जस्सू महाराज आदि मौजूद रहे। को सोचते हुए कि अपन बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अपन लोग तो बड़े हो गए, हमें क्या संस्कार डालेंगे, हम अपने बच्चों में संस्कार डालें
और बच्चे में संस्कार जब अपन डालेंगे ना, बच्चा उस आधार पर चल पड़ेगा। और अब रुख करते कठुमर का। कठुमर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य बीना मीणा की अध्यक्षता में विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्तमान भवन को तुड़वाकर नया भवन बनवाने का निर्णय लिया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि समसा योजना के तहत निर्माण के लिए 43,21,000 रुपए सहित अन्य कार्यों की भी वित्तीय स्वीकृति मिली है। बैठक में नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, झग्गूराम शर्मा, जगराम वैद्य, अजय जाटव और सत्तू भारद्वाज आदि की मौजूदगी रही। जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया ने शुक्रवार को रैनी पंचायत समिति का दौरा किया। उन्होंने अनेक पंचायतों में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। साथ ही माचाड़ी पंचायत मुख्यालय पर बीडीओ सरोज मीणा के अनुपस्थित मिलने पर चार्ज शीट थमाई। ये बीडीओ सरोज मीणा पूर्व में एपीओ भी रह चुकी हैं। उधर सीईओ ने ईटोला ग्राम पंचायत में नर्सरी और ग्रामीण उद्यान विकास कार्य को भी देखा। इसके अलावा आदुका गांव में चल रहे मनरेगा कार्य सहित अनेक स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय सरपंच सरोज मीणा, बीडीओ ललिता प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। रैणी में संत शिरोमणि स्वामी दयाल महाराज मंदिर से शुक्रवार देर रात अज्ञात चोर लाखों का सामान चुरा ले गए। मंदिर के महंत जानकीदास महाराज ने बताया कि चोरों ने धर्मशाला का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद वे मोटरसाइकिल, एलईडी और 55,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। सूचना मिलने पर एएसआई होशियार सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। रेलवे की अमृत भारत योजना के प्रथम चरण में खैरथल में 5 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए जयपुर की गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया है। इसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की लंबाई को बढ़ाने के अलावा पूरे स्टेशन भवन का मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा टीन शेड, टॉयलेट निर्माण, पार्किंग विस्तार आदि के काम होंगे। अमृत भारत योजना के तहत द्वितीय चरण में फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पेट्रोल पंप सेल्समैन से राशि लूटने वाले 3 शातिर दबोचे, सदर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। वाहनों के वीआईपी नंबर लेने के लिए बना क्रेज, परिवहन पोर्टल पर बोली लगा रहे हैं लोग। चुनाव करीब आते ही गरमाए आरोप प्रत्यारोप और राजनीति, वहीं भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर की तैयारी। और सड़क हादसे में दंपत्ति और 2 बच्चे हुए गंभीर घायल, जयपुर चुंगी के पास बाइक के आगे श्वान आने से हुई दुर्घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।